गाइस तो हम जा रहे हैं अभी कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और ये देखो केक लेके मटकी वाला, चलो चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप जानते होंगे आज है जन्माष्टमी। आप सबको मैं बधाई देती हूँ, हैप्पी जन्माष्टमी। जैसे कि आप सब ठीक हो गए। और छो गाइज, तो मैं तो नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार, बिल्कुल मस्त। देख लो बाल गीले। छो गाइज, मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, भैया भी नहा लिए और मैं तो मस्त आपके साथ बातें कर ली हूँ। और भैया पता नहीं क्या कर ले। सो गाइस, आज मैं तो बनने वाली हूँ राधा रानी और मेरे भैया पता नहीं क्या बनेंगे। गाइस मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, रात की बस रात होनी चाहिए, फटाफट मज़ा आ जाएगा। गाइस बहुत मज़ा आएगा। सो गाइस थोड़ा मैं जर्ड हूँ, छूट दिया को देव को डाल देती हूँ। दे हमारा जल का लोटा। तो आज जन्माष्टमी, तो इसलिए आज हम बना रहे हैं बर्फी अभी और मेवे की, जो ड्राई फ्रूट्स की बर्फी बनेगी, किशमिश, काजू और काफ़ी सारी चीज़ों की। तो गाइस देखो अभी हम उनको कट कर दें और रख दें। जैसे छुआरों बीज होते हैं तो उनके बीजों को निकाल लें। ईशानी मखाने काट के दिखाता हूँ मैं गाइस आपको सब। तो यहाँ पर ईशानी काटने में लगे। ईशानी आराम से काटो गाइस, ये मैं काट रहा था लेकिन ईशानी कह रही थी वो नहीं कट रहा, रहने दो। फिर गाइस ईशानी से छोटा सा नहीं कट रहा, काफ़ी है। और ये ईशानी को इतने सारे काट लिए और इधर किशमिश और ये सारी चीज़ें हैं। और ये है गाइस काजू, ये देखो गाइस ईशानी का फेवरेट है काजू। और मैं यहाँ पर ये बीज निकाल रहा हूँ मैं इन चीज़ों के, इस वाले पत्थर से दिखाता हूँ मैं कैसे निकालता हूँ बीज। ये मेरे पास में छुरा है, इसको ऐसे पहले इसकी पिटाई करता हूँ मैं। मारते हैं पहले भैया, ऐसे निकाल के इसका बीज आ जाता है बाहर। देखो गाइस तैयार कर दिए मम्मी ने मेवे की बर्फी ड्राई फ्रूट्स की। देखो कितनी टेस्टी लग रही है, देखो इसमें किशमिश वगैरह सब पड़ा हुआ है। रखने में टेस्टी लग रही है क्या? हाँ, शाम को प्रसाद चलेगा पहले, लगेगा फिर उसके बाद खाएंगे। यहाँ पर ले लें हम अभी कान्हा जी के कपड़े और ईशानी यहाँ पर आइसक्रीम खा रही है। ये देखो कौन खा रही है, एक मेरे लिए ले रखी है ईशानी ने। और ये यहाँ पर कपड़े देख रहे हैं हम कान्हा जी के लिए। ले लो ये वाली, ले ये वाली पसंद है। गाइस तो ईशानी को भी यही पसंद आ गई है। गाइस तो ये देखो मटकी वाला केक, देखो बिल्कुल मटकी वाली शेप है। ये वाला हमारा लेने का मन कर रहा है, चलो इसको ले लेते हैं। अभी हम अपने भगवान जी को डेकोरेट कर लेते हैं, चलो बैलूनों से। अभी हम थोड़े से बैलून ले लिए हमने, कुछ इतने काफ़ी हैं हमारे पास, एक पैकेट है बस, लेकिन उनमें अभी इतने ही निकले हैं। दो तीन बच चुके हैं जो कि हम बाद में खेल लेंगे उनसे। अभी इतने बैलून से कुछ। और ये हमारा मंदिर है, इसमें मैंने लड़ी जला दी है। ये देखो गाइस, ये देखो कितनी प्यारी कृष्णा जी की तस्वीर है। और आपको तो पता ही है कि हमने अपने लड्डू गोपाल जी को सजा दिया है। और इनका गाइस झूला, ये देखो, ये देखो गाइस झूला और बांसुरी। गाइस तो हमारे पास में पंप है और इसमें बैलून को मैंने लगा दिया और अभी इसको फुलाते हैं। देखो गाइस कितनी जल्दी फूल गया, अभी इसमें गांठ लगाता हूं। 1 सेकंड गाइस, बहुत ही कम सेकंड में फूल चुका है ये।
पंप से बहुत जल्दी फूल जाता है। गाइस ये है डबल साइडेड टेप, जिससे हम चिपकाएंगे, जिससे हम इसको चिपकाएंगे। सबसे पहले अभी इन सारे बैलून्स को फुला लेते हैं। हमारे पास कुछ इतने टेप है और इसमें हमने डबल साइडेड टेप लगा लिया, तो अभी इसको हम पूरे रूम को सजाने के बाद दिखाते हैं आपको। चलो सजाते हैं। तो फाइनली कुछ ऐसा लुक आया। परेशानी यहाँ पे थक चुकी है। ये देखो एक तो स्पेशली मैंने भगवान जी के पास रखा है और दो हैंड वाले भगवान जी के पास रखे हैं। वैसे तो ये देखो, तो फाइनली अभी मेरा जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन के लिए ड्रेसअप हो चुका है और देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। गाइस मैं आपको क्या पता पहचान में भी नहीं आ रहा हूँ। देखो मेरे बाल कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, ये लगा लिया मैंने। और गाइस मैंने हाथों में भी ये सब पहन लिया है और ये देखो पैरों में भी मेरे। और अभी मैं ईशानी का ड्रेसअप दिखाता हूँ आपको। ईशानी का तो कुछ ज़्यादा ही मस्त है। ईशानी अभी यहाँ पर रेडी हो रही है और ये देखो ईशानी कितनी अच्छी लग रही है। ईशानी ने तो नाक पे भी पहन लिया और ईशानी का लहंगा टाइप है। ईशानी कह रही है मैंने नाक में छेद करा है उसके बाद करवाया है। और मम्मी ने मेरे को और ईशानी को दोनों को तैयार किया है और अभी ईशानी भी तैयार हो रही है। तो मेरे हाथ में चक्र है और अभी हम रेडी हो चुके हैं। और एक कान्हा जी का केक है, मटकी वाला बिल्कुल मटकी की शेप है गाइस। और अभी कान्हा जी के बर्थडे का सेलिब्रेशन करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। तो हम जा रहे हैं अभी कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और ये देखो केक लेके मटकी वाला चलो चलते हैं। गाइस तो अभी हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर सेलिब्रेशन होना था और यहाँ पे देखो तैयारियाँ हो चुकी हैं और अभी हम यहीं पे एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर कान्हा जी रेडी हैं, यहाँ पर भोग लगाया जा रहा है माखन मिश्री का और यहाँ पर बहुत सारा एंजॉय करेंगे हम। अभी सुदामा जी वाला शो हो रहा है जिसमें सुदामा जी कृष्णा जी से मिलने के लिए आते हैं। गाइस तो अभी आरती की तैयारी हो रही है, अभी हम दीपक जला रहे हैं उसके बाद में आरती होगी।
बज चुके हैं 12 और अभी हम वहाँ से सेलिब्रेट करके आ चुके हैं। और तो ये भगवान जी की ड्रेस है, माला है और मुकुट है और गाइस अंडरवियर है और ये पंचामृत और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये हमारा मटकी वाला केक है और अभी भगवान जी को हम नहला रहे हैं क्योंकि जन्माष्टमी का दिन तो भगवान जी काफ़ी सारी चीज़ों से नहाते हैं। गाइस तो सबसे पहले मम्मी ने दूध डाला और अभी दही की बारी है, दही भी डाल दिया है। गाइस तो अभी शहद डालिएगा, गाइस घी भी साथ में है। गंगा जल है अभी इससे पूरा बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा। गाइस तो अभी भगवान जी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, झूला झूला रही शानी झूले में बैठ चुके हैं और अभी शानी झूला झूला रही है। देखिए गाइस कितने मजे से झूला झूल रहे हैं और अभी हम केक कट करने वाले हैं और भगवान जी खिलाएंगे। कट कर दिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे डियर कान्हा जी। तो गाइस अभी मैं कान्हा जी को खिला देता हूँ। कान्हा जी मार गए गाइस, खा लिया कान्हा जी ने। पापा को दो, पापा भी खिलाएंगे। बाकी मैं खा लेता हूँ। देखो गाइस भगवान जी का पूरा मुंह छिन गया। मम्मी तुम भी खिलाओ। लो गाइस तो अभी मम्मी खिला रही हैं। मटकी वाला केक मिला इस बार कान्हा जी को, झूला झुलाओ शानी। अभी मम्मी आरती कर रही हैं और भगवान जी को उनके मंदिर में बैठा दिया गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है भगवान जी का महल। गाइस तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।